How are you? This is Sony from Sony's Corner. Welcome to my channel. So friends, wish you a very happy Holi. तो इस होली के उपलक्ष में हम आज केमिकल फ्री कलर बनाना सीखेंगे और घर पर बहुत ही आसानी से हम डिफरेंट कलर्स बना सकते हैं और उसके लिए हमें जो सामान चाहिए मैं आपको बता रही हूँ. ये हमने तीन बेसिक कलर लिए हैं, ऑरेंज है, रेड है और ग्रीन कलर है. ये साथ में ऑल पर्पज फ्लावर है, मैदा. इसकी जगह पर आप कॉर्न फ्लोर या राइस फ्लोर भी ले सकते हो. और साथ में हमें थोड़ा पानी चाहिए होगा, एक एम्प्टी बाउल चाहिए होगा. तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं कलर बनाना. हम सबसे पहले रेड कलर बनाते हैं और उसके लिए हमने एक कप मैदा लिया है, बाउल में डालेंगे और इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून जितना कलर ऐड करेंगे. ये फूड कलर है, ये हमने 1 टीस्पून जितना फूड कलर इसमें ऐड किया. मिक्स करेंगे अच्छे से. ये हमने मिक्स कर दिया है और ये हमें कलर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसमें हम पानी जब ऐड करेंगे तो पूरा कलर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा. अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे. 1 टेबल स्पून हमने इसमें पानी ऐड किया और अपने हाथों से इसे मिक्स करेंगे और इसको आप कलर को प्लस माइनस कर सकते हो. अगर आपको ज्यादा डार्क चाहिए तो इसमें और ऐड कर दीजिए. थोड़ा और पानी ऐड करेंगे. इस तरीके से दोनों हाथों से आपको मसल कर मिक्स कर देना है कलर. अगर आपको थोड़ा और डार्क चाहिए तो आप और मिक्स कर सकते हो. ये हमने 1 टीस्पून पहले डाला था तो अब थोड़ा और कलर डाला है इसमें. आपको जितना डार्क और लाइट चाहिए उसके हिसाब से आप कलर इसमें ऐड करिए और इसको अभी हम प्लेट में डालेंगे. और ये ऑरेंज कलर को हम प्लेट में डालेंगे और दूसरा कलर हम तैयार करेंगे. तो अभी हम दूसरा कलर बनाएंगे और वो ग्रीन कलर है. मैदा लेंगे 1 कप और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जितना ग्रीन कलर. ये फूड कलर है. ये आपको किसी भी किराना स्टोर पर, ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगा आसानी से. और ये मैंने पाउडर फॉर्म में लिया है फूड कलर और लिक्विड फॉर्म में भी फूड कलर आता है, आप वो भी यूज कर सकते हो. ये हमने इसमें ग्रीन कलर ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे. ये अच्छे से मिक्स हो गया है मैदे के साथ कलर. अभी हम पानी डालकर इसको हाथों से मसलेंगे. 2 टेबल स्पून हमने इसमें पानी ऐड किया है और इसको हाथों से हम मिक्स करेंगे. अच्छे से मसलना है ताकि कलर जो है वो इवनली स्प्रेड हो जाए. देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ग्रीन कलर जो है वो रेडी हो गया है और इसमें हमारा पानी जो है वो थोड़ा ज्यादा पड़ा है और ये थोड़ा, ये देखिए, ये इस तरीके से हमारा मैदा जो है वो रेडी हो गया है. लेकिन अगर आपको पानी ज्यादा पड़ जाए तो भी उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है.
इसको एज इट इज हमें सुखा देना है और सूखने के बाद हमें इसे ग्राइंड करना है। इसीलिए अगर पानी ज्यादा भी पड़ जाएगा तो भी उसमें सोचने वाली बात नहीं, वो ऐसे ही हमें सुखा देना है। इसको कलर को मिक्स करने के बाद हमें इसे ड्राई करना है और जब ये ड्राई हो जाए तब इसके बाद हमें ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में इसको लेकर आना है, तो हमारा कलर जो है वो रेडी हो जाएगा। देखिए हमारा ये ऑरेंज कलर जो है वो इस तरीके से क्रम्बली है, लेकिन ग्रीन कलर थोड़ा ज्यादा जुड़ गया है और इसमें हल्का पानी ज्यादा पड़ा है। तो इस तरीके से हमारा ऑरेंज और ग्रीन कलर जो है वो रेडी हो गया है। अभी हम थर्ड कलर बनाएंगे। हम प्लेट में ले लेते हैं और प्लेट में हम इसे ड्राई करने के लिए रखेंगे। ये आप पंखे के नीचे भी ड्राई कर सकते हो और धूप में भी इसे ड्राई किया जा सकता है। अभी हम थर्ड कलर बनाएंगे, येलो कलर। उसके लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। एक कप हमने मैदा लिया है और इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून कलर ऐड करेंगे, फूड कलर। ये लेमन कलर है, 1 टेबलस्पून हमने इसमें मिक्स कर दिया है कलर। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये हमने कलर मिक्स कर दिया है मैदे के अंदर। अभी हम इसमें हल्का पानी डालकर सेम प्रोसेस हमें करना है। अभी हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे और ये हमारा लेमन येलो कलर रेडी हो जाएगा। मार्केट में बहुत तरीके से कलर्स मिलते हैं, लेकिन उनमें केमिकल्स बहुत होते हैं जो कि हमारे स्किन के लिए, हेयर्स के लिए बहुत खराब होते हैं और उन्हें निकालना में बहुत मुश्किल होता है और कई तरीके की स्किन इन्फेक्शंस और हेयर लॉस होने शुरू हो जाएंगे हमारे। लेकिन ये सब कलर्स से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही इकोनॉमिकल पड़ता है और बिना साइड इफेक्ट के और बिना केमिकल के हम घर पर इजीली कलर्स बना सकते हैं होली के। इसमें जैसे हमने पानी जो है वो थोड़ा ज्यादा ऐड कर दिया है, लेकिन इसको हम एज इट इज सुखा देंगे और फिर बाद में हम इसको ग्राइंड करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है हमें पहले। जब इवन कलर आ जाएगा तब हम इसे ड्राई करने के लिए रख देंगे। ये हमारा पाउडर फॉर्म में नहीं है, ये हमारा डो के रूप में रेडी हो गया है। कई बार ऐसा हो जाता है कि पानी ज्यादा पड़ जाए तो आपका इस तरीके का डो का रूप ले लेगा मैदा। तो उसमें आपको कैसे करना है मैं आपको बता रही हूं। और प्लेट में हमें इस तरीके से छोटे छोटे पोर्शन करके आटे के रख देना है और इसे ड्राई होने करने के लिए। जैसे हम दूसरे को ड्राई करेंगे वैसे इनको भी हम ड्राई कर लेंगे और जब ये ड्राई हो जाएगा तब उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। ड्राई करेंगे, पंखे के नीचे भी ड्राई कर सकते हैं और धूप में भी इनको ड्राई किया जा सकता है। ग्राइंड करने के लिए हमें मिक्सी का छोटा वाला जार लेना है। इसमें हम कलर डालेंगे। ये हमने फाइन पाउडर बना दिया है कलर का, तो अभी इसको हम सीव करेंगे। छन्नी लेंगे और इसके अंदर हम कलर डालकर ये हमारा एकदम से फाइन पाउडर जो है वो बन गया है। ऐसे ही हम दूसरे पाउडर्स को भी ग्राइंड करके सेव कर लेंगे और रेडी कर लेंगे। और ये हमारा रेड कलर ग्राइंड हो गया है, इसको भी हम सेव कर लेंगे। और ये हमारा फाइन पाउडर रेड कलर का
रेडी हो गया है. अभी येलो कलर हम बनाएंगे. येलो कलर हमने ग्राइंड कर लिया है और ये हमारा पाउडर बन गया है येलो कलर का. इसको भी सीव कर लेंगे. तो ये हमारा येलो कलर का फाइन पाउडर रेडी हो गया है. इस तरीके से हमने तीन कलर जो है घर पर रेडी कर ले हैं बहुत आसान तरीके से. तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप फूड कलर को यूज करके घर पर बहुत ही आसान तरीके से कलर्स बना सकते हो होली के. मुझे उम्मीद है आपको भी ये प्रोसेस पसंद आया होगा. आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और बिना केमिकल के घर पर फूड कलर यूज करके कलर्स बनाइए होली के लिए और एंजॉय कीजिए. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन उसकी मिल सके. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक्स अगेन. बाय बाय.